तो डिप्रेशन में डिफरेंस कैसे कर सकते मतलब बता, बता कुछ ऐसा हाँ. कुछ करेक्टरिस्टिक्स की ये डिप्रेशन है ये स्ट्रेस है ताकि लोग कहीं में मुझे लगता है ये सब भी पता नहीं होता कई कहीं लोगों को बिल्कुल जैसे मुझे भी घबराहट थी तो मुझे मालूम नहीं मैं सिर्फ घबराहट सुना था घबराहट क्या होती है? फिर मिला नहीं है ये मुझे लगता है एनजाइटी होती है बहुत टाइम मुझे मालूम मेरे को पैनिक अटैक आया था बहुत साल पहले अच्छा तो, तो मुझे पालन भी नहीं था कि मुझे पैनिक अटैक आया था तो इसके पीछे नॉलेज मतलब इन्फॉर्मेशन लोग कम है तो आपको थोड़ा डिफाइन कर सकते हो क्या, क्या होता है देखिए जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले तो रीज़न है स्ट्रेस अब जैसे कि एंगजाइटी है तो एंगजाइटी में किसी पर्सन को क्या होता है उसको घबराहट होती है मतलब उसको फिजिकल सिम्टम्स आते हैं क्योंकि एंगजाइटी एक इमोशन है एक स्टेट है और थोड़ी बहुत एंग्जाइटी सबको होती है और होनी भी चाहिए अगर एंगजाइटी नहीं होगी तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे तो पॉजिटिव वे में एंगजाइटी सबको होनी चाहिए और एक्साइटमेंट भी एक तरीके की पॉजिटिव एंग्जाइटी ही होती है ओके okay. तो एंग्जाइटी हम सबको होती है क्योंकि ये हमारे सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट इसकी एक रेंज है जैसे अगर हम मेडिकल उसके भी पैरामीटर्स कराते हैं अगर हम डायबिटीज़ अपना वो करवाएं तो हमारी आएगी एक रेंज में कोलेस्ट्रॉल भी एक रेंज में आएगा तो इस तरीके से एंगजाइटी भी होती है और सभी इंसान कभी कभी टेम्प्रेरी डिप्रेस भी होते हैं लेकिन जैसे ये पैरामीटर्स आउट हो जाते हैं तो डायग्नोसिस बन जाता है तो जैसे फिजिकल लेवल पर होता है ऐसे ही मेंटल लेवल पर भी होता है तो थोड़ी एंग्जाइटी सबको होती है अब एंग्जाइटी में क्या होता है किसी इंसान को घबराहट हो रही होती है किसी को सांस आने में दिक्कत हो रही होती है किसी को पेट में प्रॉब्लम होती है उसको कई बार लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है बार बार यूरिनेशन की इच्छा होती है उसको उसकी नींद नहीं आ रही है उसकी भूख जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या भूख बहुत कम हो जाती है किसी भी इंसान का वेट बहुत ज़्यादा घटने लगता है कुछ लोगों का चिंता में और कुछ लोग नॉर्मली खाते हैं तो उनका बढ़ने भी लग जाता है और हर समय दिमाग चलता ही रहता है तो ये एंजाइटी है अब एंजाइटी और डिप्रेशन में डिप्रेशन में ये सब होता ही होता है लेकिन एक डिफरेंस होता है कि एक पर्सन को एक अजीब सी उदासी मेंटेन रहती है वो नॉर्मल सैडनेस नहीं होती नॉर्मल आप भी सैड होते हैं मैं भी सैड होती हूँ लेकिन हमने जैसे किसी ने आकर हंसा दिया तो हम हंस पड़े और फिर भूल गए लेकिन डिप्रेशन वाले को अगर आप कोई जोक भी मारोगे तो वो जोक पे हंसेगा नहीं रिएक्ट नहीं करेगा उसके सामने कुछ भी आप इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करोगे अगर वो क्लिनिकल डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है जो डिफरेंट डिप्रेशन है एक तो हो गया कि डिप्रेशन एक बड़ी कॉमनली टर्म हो गई आजकल हर आदमी कह देता है मैं डिप्रेशन में था या मैं डिप्रेशन में हूँ हाँ, ठीक है मैं वो वाले डिप्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ okay. ठीक है वो वाला तो डिप्रेशन एक्चुअली डिप्रेशन नहीं होता उसे फैंसी टर्म में सैडनेस को डिप्रेशन बोल देते हैं लोग सो वो वाला डिप्रेशन तो कोई भी आपका दोस्त भी दूर कर सकता है लेकिन जो रियल डिप्रेशन होता है उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए ही होता है तो उसमें ये सारे लक्षण भी इंसान को महसूस होते हैं और उसे एक अजीब सी उदासी होती है क्योंकि उसके अंदर होपलेसनेस होती है हेल्पलेसनेस होती है और वर्थलेसनेस होती है ये तीन इमोशंस उसको डोमिनेट करते रहते हैं और उसकी ये स्टेट मेंटेन रहती है होपलेसनेस हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस जैसे ही उस इंसान को ये फील होने लग जाता है तो उसको अपना फ्यूचर डार्क में दिखाई देता है बिल्कुल होपलेस हो जाता है और जैसे ही एक पर्सन की सेल्फ इमेज खो गई उसको फ्यूचर डार्क में दिखाई देने लगा तो वो डिप्रेशन वाली स्टेट उसकी मेंटेन रहती है तो ये डिप्रेशन में एड ऑन हो जाता है एंजाइटी से ज़्यादा क्योंकि उसमें भी नींद का वही प्रॉब्लम है किसी को बहुत ज़्यादा सोता है हाइपरसोमिनिया हो जाता है किसी को इंसोमिनिया हो जाता है कोई बहुत ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है लक्षण यही होते हैं बाकी सब उसमें भी लेकिन उसमें जो डिफरेंस होता है ये डिफरेंस होता है डिप्रेशन की भी फर्दर बहुत सारी फिर फॉर्म्स होती हैं उसमें और ऐसे ही ओ जो आपने पूछा तो ओ भी एक तरीके की एंग्जाइटी है अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार जाके देखो डिटेल में चीज़ों को समझो तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से आप अपनी जिंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे थैंक सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल